देखिए बहुत ही दुखद है कि जो व्यक्ति डोटासरा साहब का रिश्तेदार नहीं है, उनके परिवार का नहीं है, उसको जो साक्षात्कार होगा उसमें अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार से अप्रत्याशित वृद्धि डोटासरा साहब के रिश्तेदारों के साक्षात्कार के अंकों में हुई। बहुत खेद का विषय है, युवा मोर्चा इस पर आवाज उठा रहा है। हम पूरे प्रदेश के अंदर डोटासरा साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में अन्याय ना हो किसी भी छात्र के साथ, किसी भी अभ्यर्थी के साथ। उसके लिए जो साक्षात्कार होते हैं, इसकी जो प्रक्रिया होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। और निष्पक्ष कैसे हो सकती है? साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग होगी तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होगी। और अभी जो अभ्यर्थी हैं, जो डोटासरा साहब के परिवार के जो अभ्यर्थी हैं जिनके अंकों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, उनके इंटरव्यू वापस लिए जाने चाहिए। केवल उनके इंटरव्यू जो डोटासरा साहब के परिवार के सदस्य हैं या रिश्तेदार। देखिए मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डोटासरा जी को नहीं पता है कि किससे किस तरीके से बात की जाती है। डोटासरा जी अपनी लिमिट्स को भूल चुके हैं। उनको हालांकि कांग्रेसी भी बहुत सीरियस नहीं लेते थे, पर आज वो इस तरीके की बेबुनियादी बातें करते हैं, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट दे देते हैं। हालांकि उसमें एक शिक्षा मंत्री की ये स्थिति हो गई कि आज युवा मोर्चा अजमेर के हमारे कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का घेराव किया और शिक्षा मंत्री दूसरे गेट से वहां भाग गए। तो एक शिक्षा मंत्री की राजस्थान में ये स्थिति है कि उनको मुंह छुपा के भागना पड़ रहा है। इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे तो यही होगा कि राजस्थान के हर कोने में जाएंगे, वहां पे विरोध होगा और अपना मुंह छुपाकर ये दूसरे गेट से भागेंगे। जिस तरह से एक दूसरे पे छींटाकशी का जो दौर चल रहा है, चाहे NSUI हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे दूसरे संगठन हो, सब एक दूसरे पर हमला बोलेंगे। हमारी तरफ से हम जब अपने राजनीतिक विरोधियों से काम बात करते हैं या उनके ऊपर हमला बोलते हैं तो हम बहुत सभ्य भाषा में बोलते हैं। अब आपकी लाइब्रेरी में देख लीजिए, हमारी लाइब्रेरी में देख लीजिए, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हम बहुत सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। पर हाँ, आपका जो प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है आप यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनके द्वारा जो गवर्नर हैं उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उनको बीजेपी का दलाल कहा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, माननीय गृह मंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की जो यूथ विंग है वो राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहती है, यह हम सभी को देखना होगा। राजनीति में हो सकता है कि मतभेद हो सकता है मनभेद भी हो, परंतु क्या मतभेद होंगे, मनभेद होंगे तो उसके लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना उचित है, और वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जो विधानसभा का सदस्य है और विधानसभा की सदस्यता लेते समय उस व्यक्ति ने संविधान में सच्ची निष्ठा लेने की शपथ ली है। दूसरा, RPSC में जिस तरह से इंटरव्यू में घोटाला हो रहा है, डोटासरा परिवार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप क्या मानते हैं?